नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ GSTR9 फाइल करना। GSTR9 की हर एक टेबल का हर एक कॉलम हम समझने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। GSTR9 फाइल करने से पहले किस तरीके से हमें वर्किंग करना है, पूरा डाटा अपना एक्सेल शीट में तैयार करना है, उसके बाद हम GSTR9 फाइल करेंगे। GSTR9 को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, जो हमारी टैक्सेबल सप्लाई है या जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, इसके बाद कितना टैक्स हमारा बनता है, कितना टैक्स हमने पेमेंट कर दिया, फाइनल डाटा तैयार करने के बाद अगर कुछ लायबिलिटी आती है उसको किस तरीके से पेमेंट करना है, सब कुछ GSTR9 से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल पॉइंट है इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं। अगर आप बिल्कुल नए हो और पहली बार GSTR9 फाइल करना सीख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि GSTR9 को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है और GSTR9 वास्तव में आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें वर्किंग करना है। देखिए, पहले टेबल वाइज समझने से पहले हम एक्सेल शीट को समझ लेते हैं। मान लीजिए यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, मैं GSTR9 फाइल करने जा रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है, आप जिस भी सॉफ्टवेयर में अपना मेंटेन करते हो अकाउंट, जैसे टैली हो गया, बीजी हो गया, जिसमें भी आप मेंटेन करते हो, आप पूरा अपने टैली का डाटा उठा लो मंथली वाइज। मैंने आपको एग्जांपल के लिए इस तरीके से फॉर्मेट बताया है। मंथली वाइज आप आपके टैली में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन है, कितनी सप्लाई है, कितना टैक्स बनता है, पूरा टैली का आप तैयार कर लो। इसके बाद इस तरीके से शीट मंथली तैयार कर लो अपने 3B का, मंथली वाइज की आपने GSTR 3B में क्या दिखाया है, कितना टैक्स पेमेंट किया है, टैली का डाटा 3B को आपस में मैच करो और डिफरेंस का कॉलम बना दो मंथली वाइज, जो डिफरेंस निकल के आ रहे वहां डिफरेंस भी देखेंगे, डिफरेंस को कहां दिखाना है। और आप GSTR 1 और GSTR 3B का भी टेबल इस तरीके से बना के आपस में मैच कीजिए और डिफरेंस का कॉलम निकाल दीजिए। आपको इतनी वर्किंग अपने एक्सेल शीट में करनी होगी, अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करके रखना होगा। इसके बाद हम GSTR 9 को फाइल करना स्टार्ट करेंगे, क्या डिफरेंस आता है, किस तरीके का डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस आया, सारी चीजें पहले वर्किंग करके सारा जवाब अपने पास तैयार कर लो, इसके बाद GSTR 9 स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने एग्जांपल लिया है 23-24 का GSTR 9 फाइल कर रहे हैं, हमारा टैली का डाटा है जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पूरा हमारी सप्लाई है, टैली का डाटा हमारा बता रहा कितना 10 लाख, और हमारा जो GST बनता है CGST SGST IGST ये टैली का डाटा हमारा बता रहा है। अब हमने GSTR 1 को देखा, GSTR 1 में हमने फाइल किया है। देखिए, जो आपका GSTR 9 का टेबल 4 है, टेबल 4 में जो भी डाटा आता है, टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेटेड होता है, वहां आपको पूरा डेटा मिलेगा, दिखेगा टेबल 4 में GSTR 9 के, और वह आएगा कहां से, GSTR 1 से। पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने जो भी GSTR 1 में दिखाया है, टैक्सेबल वैल्यू, जितना टैक्स पेमेंट किया है, सारा कुछ आपका GSTR 1 से उठकर टेबल 4 में आ जाएगा। तो हमने यहां टैली का डाटा रखा अपना पूरे साल का, और इसके बाद हमने यहां सामने रखा GSTR 1 का, और GSTR 1 का जो डाटा है हमारे GSTR 9 के टेबल 4 में आएगा, और इसके बाद हमने यहां सामने लगा दिया डिफरेंस। अब हमने मैच किया, देखिए यहां पर हमारा टैली का डाटा बता रहा है कि हमारी आउटवर्ड सप्लाई 10 लाख का है और इतना इतना हमारा टैक्स बनता है, और GSTR 1 में हमने जो 23-24 में फाइल किया, आउटवर्ड सप्लाई 11 लाख बताया और इतना इतना हमने टैक्स बताया GSTR 1 में, डिफरेंस निकल के आ गया। डिफरेंस क्या निकल कर आया, हमारा टैली जो बुक्स ऑफ अकाउंट है 10 लाख बोल रहा है, और जो हमारा GSTR 1 है, यानी कि जो GSTR 9 का टेबल 4 है, वहां पर 11 लाख बताएगा। अब 1 लाख का डिफरेंस आ गया, मतलब कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख कम है लेकिन GSTR 1 में 1 लाख ज्यादा है,
और यही आपके टेबल नंबर 4 में 11 लाख दिखेगा। तो अब इस किस तरीके से हम अपना जीएसटी R9 फाइल करेंगे, चलिए हम आते हैं टेबल 4, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। अब टेबल 4 को हम ओपन करते हैं, टेबल 4 को हमने कर दिया ओपन। अब देखिए यहां पर आपका पूरा का पूरा टेबल अपने आप यहां डाटा आएगा, कहां से, जीएसटी R1 से। जो एग्जांपल हमने लिया है, हमारे बुक्स में 10 लाख आ रहा है, ठीक है, लेकिन जीएसटी R1 में हमने 11 लाख दिखाया है 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में, तो यहां पर जो है आपका 11 लाख दिखेगा। अब B2C जितनी सेल होगी, B2B जितनी सेल होगी, वह सारा अलग अलग होकर यहां आपको दिख जाएगा, कहां से, जीएसटी R1 से। लेकिन B2B B2C मिला के जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारा है 11 लाख यहां आ रहा है और उसकी टैक्स की लायबिलिटी यहां दिख रही है। अब आपको क्या करना है, आपके बुक्स आप अकाउंट में तो 10 लाख आ रहा है और यहां पर है 11 लाख और आपने डिफरेंस निकाल लिया है, ठीक है। पहले हम ए और बी को, बी टू बी और बी टू सी को ही समझ लेते हैं, इसके बाद फिर नीचे आते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए आपका जो बुक्स आप अकाउंट बोल रहा है, जो डाटा आपके टैली में दिख रहा है वही चीज आपकी सही है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड है, आपका बुक्स आप अकाउंट पूरा ऑडिटेड है, इसलिए जो आपका बुक्स आप अकाउंट बोल रहा है वह आपका करेक्ट डाटा है और उसी के हिसाब से आपको यहां पर एंट्री करना है। यहां पर तो 11 लाख आ गया है, ये देखिए जीएसटी R1 में 11 लाख और जीएसटी R9 के टेबल 4 में 11 लाख आ गया, लेकिन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बता रहा है 10 लाख और हमने डिफरेंस भी निकाल दिया है, ए डिफरेंस 1 लाख का है और 1 लाख का डिफरेंस कैसे ज्यादा आ रहा है, तो हमने जब रिकंसाइल किया अपना बुक्स ऑफ अकाउंट तो पता चला यह फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है, मतलब 22-23 का 1 लाख हमने टैक्स पेमेंट किया 23-24 में और जीएसटी R1 में भी 23-24 में दिखाया, तो 22-23 का है 1 लाख लेकिन हमने जीएसटी R1 फाइल किया किसमें, 23-24 में, तो 23-24 की फाइनेंशियल ईयर में आपका पूरा यहां दिखा रहा है 11 लाख लेकिन आपका एक्चुअल में 10 ही लाख है, तो आपको क्या करना होगा, 1 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है इसको आपको वहां से हटाना होगा टेबल 4 से। देखिए टेबल 4 पे आते हैं हम, देखिए अब यहां टेबल 4 पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप 20% से ज्यादा अमाउंट को कम या ज्यादा करोगे तो हाईलाइट हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं आपको इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, रेड हो ग्रीन हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बोल रहा है उसके हिसाब से आपको एंट्री यहां करनी है। अब यहां पर 11 लाख आया है लेकिन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट 10 लाख बोल रहा है, तो आपको यहां सीधा एडिट कर देना है। अब वो आपको रिकंसिलेशन में पता चलेगा कि B2C में है या B2B में है, जिसमें भी हो आपको 1 लाख यहां माइनस कर देना है, सीधा सीधा जो 10 लाख का आपका वैल्यू है 10 लाख आपको यहां टेबल 4 में दिखाना है, 1 लाख माइनस कर देना है और जो उसका टैक्स बनता है टैक्स भी 1 लाख इसमें माइनस हो जाएगा, 1 लाख का जो टैक्स वैल्यू का जो टैक्स बनता है वो भी माइनस हो जाएगा। आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से यहां लिख दिया 10 लाख। अब सवाल यह आता है कि जो हमने 1 लाख कम कर दिया उस अमाउंट को हम जीएसटी R9 में कहां दिखाएंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे आपने 23-24 का फाइल कर रहे हो तो आपके जीएसटी R9 की टेबल 4 में 11 लाख आया और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख है, मतलब 23-24 का पूरा आपका 10 लाख है, तो जो 1 लाख का डिफरेंस आया या पिछले साल का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है यानी कि 22-23 का है, तो इस तरीके के अगर डिफरेंस आ रहा है तो 1 लाख को आप अलग से कहीं नहीं दिखा सकते, जीएसटी R9 में 1 लाख को आप अलग से नहीं दिखाओगे, इसको आप टेबल 4 में माइनस कर दोगे, 11 लाख में से 1 लाख माइनस कर दोगे, सीधा 10 लाख ये दिखाओगे जो आपका टैली बोल रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट बोल रहा है। अब यह सवाल आएगा कि जो 1 लाख हमने माइनस कर दिया इसको कहां दिखाया होगा, तो देखिए अभी आगे इसको हम समझेंगे। जब आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जीएसटी R9 फाइल किए होंगे फिर वहां पर आपने इस 1 लाख को दिखाया होगा, क्योंकि 22-23 में आपने बताया होगा कि 1 लाख हमने
नेक्स्ट फाइनेंस ईयर यानी कि 23-24 में पेमेंट किया है, तो उसके लिए टेबल नंबर 10 है। तो आपने 22-23 वाले GSTR 9 में ही इस 1 लाख को अपने टेबल नंबर 10 में दिखाया होगा और उसका टैक्स पेमेंट आपने टेबल नंबर 14 में दिखाया होगा। 22-23 के GSTR 9 में आपने इस 1 लाख को दिखा दिया होगा, क्योंकि आपने 22-23 के हिसाब से इस 1 लाख को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाया था। तो आपने 22-23 के GSTR 9 में इस 1 लाख को आपने टेबल नंबर 10 में दिखाया होगा और जो इसका टैक्स बनता है टेबल नंबर 14 में दिखाया होगा। इसलिए 23-24 वाले रिटर्न में GSTR 9 में आप इस 1 लाख को सीधा माइनस कर दोगे। ओके, अगर ज्यादा आपने दिखाया है तो माइनस कर दोगे, कम किया है तो जैसे आपने सेल को बढ़ाया है, आपका ज्यादा सेल आ रहा है GSTR 9 की टेबल 1 में, तो उसको आप कम कर दो। अगर कम सेल आ रहा तो बढ़ा दो। मतलब जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का यानी कि 23-24 की आप वर्किंग कर रहे हो और जो आपने 22-23 में 22-23 का डाटा है उसको प्लस माइनस आप कर सकते हो। GSTR 9 की टेबल 4 में उसको आप एडिट कर दो, मैनुअल टाइप कर दो। जैसे एग्जांपल आपको सीधा सीधा दिख रहा है, टैली में 10 लाख, GSTR 9 टेबल 4 में 11 लाख, और ये 1 लाख का डिफरेंस आपको मिल गया कि ये 22-23 का था, प्रीवियस फाइनेंशियल का था। तो आप सीधा 11 लाख में से 1 लाख माइनस करके टेबल 4 में आप 10 लाख दिखाओगे। ओके, अब टेबल 4 को आपको मैच करना है टेबल 9 से, क्योंकि जो टेबल 4 में आपने टैक्सेबल वैल्यू दिखाया, जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है आपने टेबल 4 में दिखा दिया। ध्यान रखना टेबल 4 में वही आएगा जो करंट फाइनेंशियल ईयर का डाटा होगा, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर का 23-24 का ही है, वो तो टेबल 4 में आएगा और उसका पेमेंट टेबल नंबर 9 में। अब चलिए हम टेबल नंबर 9 को ओपन करते हैं। मैं क्या है, जैसे टेबल 4 का टैक्स हम कहाँ दिखाएंगे, टेबल नंबर 9 में। अब आपने यहाँ 10 लाख दिखा दिया, आपका जो भी टैक्स बनता है टेबल नंबर 9 होगा। अब आगे चलते हैं, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल क्या है ये देखिए, अब हमने आपके टैली में बुक्स ऑफ अकाउंट में 9 लाख है। ओके, आपने GSTR 1 में फाइल किया है 8 लाख, और जो आपने GSTR 1 में फाइल किया है 8 लाख, यही आपके GSTR 9 के टेबल 4 में आएगा। और डिफरेंस आपने निकाला, यहाँ भी 1 लाख का डिफरेंस आ गया, मतलब आपका टैली 9 लाख बता रहा है और आपका जो GSTR 9 का टेबल 4 है वह 8 लाख बता रहा है। यानी कि आपने सेल तो ज्यादा किया है लेकिन GSTR 1 आपने 1 लाख का कम फाइल किया है, किसमें 23-24 में 1 लाख का कम पेमेंट किया है, क्योंकि यह तो GSTR 1 से ही बता रहा है आपका 8 लाख, तो 1 लाख का डिफरेंस आया। जब आपने रिकनसाइल किया तो आपको क्या पता चला कि आपने 1 लाख का पेमेंट कर दिया है, लेकिन कब किया, 23-24 में नहीं किया, आपने उसको 24-25 में किया, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 लाख का पेमेंट कर दिया है और 1 लाख का आपने रिटर्न फाइल कर दिया है। और जो 1 लाख का आपने अमाउंट फाइल किया है 24-25 में, GSTR 1 फाइल किया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस अमाउंट को आपको अलग टेबल में दिखाना होगा, करंट फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न में अलग टेबल में दिखाना होगा। ये तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का था, यानी कि 23-24 का फाइल कर रहे हो और डिफरेंस मिला 22-23 का, तो इसको सीधा आप प्लस माइनस कर दोगे टेबल 4 में। लेकिन यहां पर क्या हुआ, आपका टैली ज्यादा बता रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा बोल रहा है, लेकिन आपने GSTR 1 कम बोल रहा है, लेकिन आपने इसका GSTR 1 फाइल किया है 23-24 के सेल को आपने दिखाया है 24-25 में, यानी कि जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है इसको आपने 24-25 में दिखाया है और इसका 24-25 में टैक्स भी पेमेंट किया है। तो इस डिफरेंस को दिखाने के लिए आपको अलग से टेबल है। कौन सी टेबल है, आपने सेल को बढ़ाया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो जो सेल आप बढ़ाते हो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको टेबल नंबर 10 में दिखाएंगे, और जो उसका टैक्स बनता है उसको टेबल नंबर 14 में दिखाएंगे उसका। जैसे हमने जो टैक्स हमारा टेबल नंबर 4 में बन रहा था उसका पेमेंट हम 9 में दिखाते हैं, इसी तरीके से
करंट फाइनेंशियल का अगर सेल आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल में बढ़ाया है, यानी कि 23-24 का सेल आपने 24-25 में दिखाया है, तो टेबल नंबर 10 में दिखाओ जो अमाउंट आपने सेल बढ़ाया है और उसका जो टैक्स आपने पैड किया है टेबल नंबर 14 में। अगर सेल कम किया है तो टेबल नंबर 11 में दिखाओ और उसका माइनस टैक्स टेबल नंबर 14 में दिखाओ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपनी सेल को नेक्स्ट फाइनेंशियल में 1 लाख दिखाया है, 1 लाख सेल हमने दिखाया है, 9 लाख सेल हमारा बनता था, लेकिन हमने 1 लाख की सेल अपनी दिखाई किसमें, 24-25 में, यानी कि हमने 1 लाख का सेल 24-25 में दिखाया। तो इसके लिए इसकी एंट्री कहां जाएगी आपकी, टेबल नंबर 10 में। ये देखिए टेबल नंबर 10 में इसकी आप 1 लाख दिखाओ और इसका जो टैक्स बनेगा कहां जाएगा, टेबल नंबर 14 में, जो आपने टैक्स पेमेंट कर दिया 24-25 में, टेबल नंबर 14 में। अगर मान लीजिए आपने सेल घटा दिया, करंट फाइनेंशियल ईयर का सेल आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल में कम किया है, घटाया है, तो जो जितना सेल अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट है जो घटाया है उसको टेबल नंबर 11 में दिखा दो, ओके, और जो टैक्स कम हुआ है उसको टेबल नंबर 14 में माइनस करके दिखा दो। क्लियर हुआ, प्लस किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल में तो वो अमाउंट दिखाओ 10 नंबर टेबल में और उसका टैक्स 14 नंबर में। ये देखिए कम किया है तो टेबल नंबर 11 में और उसका माइनस टैक्स टेबल नंबर 14 में। इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करके दिखाना है। अब आगे क्या बचता है, आपको इस तरीके से वर्किंग करना है, पूरा पूरा एकदम तैयार करोगे आप एक्सेल शीट, कितना टैक्स रेट का क्या आइटम, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आरसीएम क्या है, इस तरीके से आप टेबल 4 की वर्किंग एक्सेल शीट में कर लोगे। फिर अब इसकी एंट्री करना है टेबल 4 में, फिर हम आ जाते हैं टेबल 4 में। अब यहाँ पर आपने B2B B2C वाला मैटर समझ लिया। अब यहाँ पर C है, जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट यानी कि जो आपने एक्सपोर्ट किया है जिस पर टैक्स पेमेंट किया है वह अमाउंट यहाँ आएगा, ऐसी सप्लाई किया है जो ऐसी जेट को सप्लाई किया है टैक्स पेमेंट किया है टैक्स बनता है उसकी, यहाँ डीम्ड एक्सपोर्ट है तो ई में, आपने एडवांस में टैक्स पेमेंट किया है कोई इनवाइस नहीं इशू किया है अगर इस तरीके का कोई है तो एफ में, और मेन जी, जी में इनवार सप्लाई, आपने जो भी इनवार सप्लाई किया है जिसके ऊपर आपको आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना है, आरसीएम की लायबिलिटी आती है, उसको टेबल जी में दिखाओ, यहाँ टेबल 4 के कॉलम जी में दिखाओ। जिस तरीके से हमने यहाँ वर्किंग किया है, हमारी सप्लाई मान लीजिए 10 लाख की है, B2B B2C में 10 लाख की सप्लाई दिखाया, डेबिट नोट क्रेडिट नोट होगा तो यहाँ टेबल 4 में ही आपका वो एडजस्ट होके आएगा। देखिए ये पूरा का पूरा आपका जीएसटी R1 शिफ्ट आएगा, जो भी B2B B2C की सप्लाई होगी यहाँ जाएगा, और जो आपका क्रेडिट नोट या डेबिट नोट होगा जिस तरीके से आपने जीएसटी R1 में दिखाया होगा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट या आपने अमेंडमेंट करके प्लस किया है अमेंडमेंट करके माइनस किया है वो सारी चीजें यहाँ कवर हो जाएगी। लेकिन जो आपने आरसीएम में आपको टैक्स पेमेंट करना है, जो आपके टैक्सेबल सप्लाई आरसीएम की है जिसके ऊपर आपका आरसीएम का लायबिलिटी बनती है, आपको जी वाले में दिखा देना है यहाँ आरसीएम। अब यहाँ पर देखिए आपने टोटल वैल्यू B2B B2C दिखा दिया, अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट का उसका भी एडजस्टमेंट करके टोटल सप्लाई आपकी 10 लाख बन रही है, आरसीएम 50,000 आरसीएम की टैक्सेबल है, इस पर आपको टैक्स भरना है, तो 10 लाख प्लस 50,000 टोटल 10,50,000 टैक्सेबल सप्लाई आपकी मानी जाएगी, सेल वाली जो है 10 लाख की और आरसीएम वाली 50,000 की। तो 10 लाख आपने B2B B2C में दिखा दिया, उसका भी जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट एडजस्ट कर दिया, जो ये 50,000 है इसकी लायबिलिटी आप टेबल 4 में जी में दिखा दोगे, कहाँ, यहाँ 50,000। इस तरीके से आपकी यहाँ टोटल आ जाएगा, जैसे हमने एक्सेल शीट में यहाँ तैयार किया, टोटल आपका 10,50,000 और इसका जो है जीएसटी कितना बनता है, IGST, CGST, SGST जो बनता है टेबल 4 में। अब जो आपको टेबल 4 में यहाँ लायबिलिटी बन रही है इसका आपको दिखेगा टेबल नंबर 9 में कि आपने कितना पेमेंट किया हुआ है या आपको कितना भी पेमेंट करना पड़ेगा, जो एंट्री आपने टेबल 4 में चेंज किया है। अब आ जाइए आप GSTR 9 के टेबल 9 में। अब यहाँ पर आपने जो टैक्स पेमेंट कर दिया है, जितना टैक्स पेमेंट कर दिया है यहाँ पर दिखेगा, और जो आपने टैक्स पेमेंट कर दिया है जो कैश से पेमेंट किया है या जो ITC से पेमेंट किया है ये सब ब्लॉक रहेगा, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आपने पूरा 23-24 जितना टैक्स पेमेंट कर दिया है।
अब आपको जीएसटी टेबल 4 के हिसाब से प्लस माइनस करना है तो आप यहां कर सकते हो। देखिए जैसे हमने पिछले साल का प्रीवियस फाइनेंशियल का डाटा आया तो वहां से हमने टैक्सेबल अमाउंट कम किया 4 से, तो यहां यहां भी टैक्स कम करना पड़ेगा जो प्रीवियस का है, यहां भी उस हिसाब से आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ऐसा आता है पोजीशन कि आपने रिकनसाइल किया, मान लीजिए 22-23-24 का कोई B2C सप्लाई थी, आपने उसको जीएसटी में दिखाया ही नहीं, 23-24 में उसका भी टैक्स का पेमेंट नहीं किया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 में भी आपने उसका टैक्स का पेमेंट नहीं किया, वो जीएसटी में दिखाने से रह ही गया, तो आप क्या करोगे? आप पूरा बुक्स रिकनसाइल करोगे और आपको पकड़ में आता है कि हाँ ये B2C की मान लीजिए 10,000 की आपने सप्लाई किया है और इसका टैक्स आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपको क्या करना होगा? उस अमाउंट को सीधा आपको अपने बुक्स आपके अकाउंट के हिसाब से टेबल 4 में ऐड कर देना है, टेबल 4 में ऐड कर देना है और जो उसका वहां टेबल 4 में जो टैक्स बनेगा आपको यहां लिखना है। आपने जो टैक्स पेमेंट कर दिया वो तो यहां ब्लॉक है, अब आपके ऊपर टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी आ जाएगी, तो आपको उसका टैक्स का पेमेंट और जो इंटरेस्ट बनता है इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना होगा DRC 03C से। ओके, अगर कोई छूट गया है तो आप पेमेंट कर सकते हो, लायबिलिटी आपकी बनती है, आप उसको पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बुक्स आप अकाउंट के हिसाब से आप अपना वर्किंग कीजिए। अब अपना मैटर आता है टोटल टर्नओवर का। देखिए टर्नओवर तो आपका टोटल होगा जो आपने टैक्स पर सप्लाई किया होगा या जो विदाउट जिसपे जीएसटी नहीं पेमेंट करना होता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो मतलब नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, अगर आपने ऐसी भी कुछ सप्लाई किया है जिसके ऊपर सिर्फ आपका टर्नओवर कैलकुलेट होगा लेकिन जीएसटी नहीं बनेगा, तो उसको कहां दिखाना है? हमने कौन कौन सा टेबल देख लिया? टेबल नंबर 4, इसके बाद टेबल नंबर 9, 4 और 9 को मैच किया, इसके बाद टेबल नंबर 10 और 11 को देखा और उसका टैक्स टेबल नंबर 14 को देखा। अब इसके बाद जो टेबल नंबर आपका 5 है, टेबल नंबर 5 को देखते हैं, ये देखो। अब जो टेबल नंबर 5 है यहां पर भी आपने जीएसटी R1 में दिखाया होगा, जो भी आपकी सप्लाई होगी जिसपे आपकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है, आपने जीरो रेट सप्लाई किया है, एक्सपोर्ट किया है विदाउट टैक्स पेमेंट, आपने दिखाया होगा R1 में, जीएसटी R1 से उठ के यहां भी वो डाटा आएगा, या SEZ सप्लाई किया होगा विदाउट टैक्स, वो भी डाटा यहाँ आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, जो भी आपकी होगी उसका जो डेबिट क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट होगा, अमेंडमेंट होगा, प्लस माइनस, जो भी आपने जीएसटी R1 में दिखाया होगा यहां आएगा। और अगर मान लीजिए आपने जीएसटी R1 में दिखाने से भूल गए हो तो अपने बुक्स आप अकाउंट के हिसाब से आप यहां एंट्री कर दो, इस पर तो टैक्स नहीं बनेगा क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई है, लेकिन आपके बुक्स आप अकाउंट के हिसाब से जो आपका टर्नओवर होगा, टर्नओवर तो मैच किया जाएगा, तो यहां भी उसकी एंट्री होगी टेबल नंबर 5 में जिस पर टैक्स नहीं बनता है। अब यहां पर टोटल आपका आएगा, यहां पर टोटल आएगा जो आपने टैक्सेबल सप्लाई टेबल 4 में दिखाया उसका टोटल प्लस माइनस होके एडजस्ट होके, और जो आपने जिस पर आपको जीएसटी नहीं पेमेंट करना है, जो नॉन जीएसटी सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, उसका टर्नओवर आप टेबल 5 में दिखाओगे, टेबल 4 और टेबल 5 का टोटल एडजस्ट होके यहां आपको दिखाएगा। ओके, इसके बाद जो आपका नेट टोटल टर्नओवर कहां दिखेगा आपको, टेबल नंबर 10 और 11 देखिए, यहां 10-11 में। अब यहां 10-11 में क्या है, आपने करंट फाइनेंशियल का अगर सेल नेक्स्ट फाइनेंशियल में बढ़ाया है टेबल नंबर 10 में, घटाया है तो टेबल नंबर 11 में, टर्नओवर तो आपका करंट फाइनेंशियल का माना जाएगा वो, और टेबल नंबर 4 और 5 का प्लस होके आ गया है, तो यहां देखिए टेबल नंबर 5N प्लस 10 में जो बढ़ाया है वो प्लस हो जाएगा, और 11 में जो आपने नेक्स्ट फाइनेंस में कम किया है यहाँ टोटल आपका टर्नओवर आ जाएगा। इस तरीके से आपने अभी तक क्या समझा कि जीएसटी R9 में जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, जो टैक्सेबल सप्लाई है, उसको किस टेबल में दिखाना है, उसका जो टैक्स बनेगा वो किस टेबल में दिखाना है। अब अभी देख लीजिए, जैसे हमने यहां पर 23-24 का नेक्स्ट फाइनेंशियल में दिखा दिया 1,00,000 रुपया टेबल नंबर 10 में, उसका टैक्स दिखा दिया टेबल नंबर 14 में। अब यह 1,00,000 रुपया जब हम 24-25 का जीएसटी R9 फाइल करेंगे तो 1,00,000 रुपया वहां एक्स्ट्रा बताए गए,
तो आपको टेबल फोर से ही 1 लाख रुपया सीधा माइनस कर दोगे, जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, क्योंकि आपने इसको दिखा दिया 23-24 की GSTR 9 में ही। इसलिए आप जब 24-25 का फाइल करोगे GSTR 9 तो वहां से सीधा ही माइनस हो जाएगा। दोस्तों आपको इस तरीके से वर्किंग करना है। अब जैसे यहां मैंने जो नीचे आप बताया, यहां पर हमने 10,000 का नॉन GST सप्लाई किया, तो जो टेबल हमने 10 और 11 का टोटल देखा, जहां टोटल टर्नओवर दिख रहा है, वहां पर टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टोटल, जैसे यहां 10 लाख और नॉन GST सप्लाई मान लीजिए 10,000 की है, तो 10,10,000 टोटल दिखेगा, टोटल टर्नओवर दिख जाएगा जो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल वाली है। दोस्तों हमने अभी GSTR 9 की कौन कौन सी टेबल को समझ लिया, 4 को, और इसका टैक्स पेमेंट हमने कहाँ किया, टेबल नंबर 9 में, 4 और 9 को मैच किया। और इसके बाद टेबल नंबर 5 में, जिसपे हमारी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी, जो नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, ऐसी सप्लाई है जिसके ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं करना है, टेबल नंबर 5 में। करंट फाइनेंशियल ईयर का सेल हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल में दिखाया, यानी कि 24-25 में दिखाया, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, टेबल नंबर 10 और 11 में, बढ़ाया है तो 10 में, घटाया है तो 11 में, और इसका जो टैक्स प्लस माइनस किया है टेबल नंबर 14 में। ओके, ये चीज हमने समझ लिया। और आउटपुट सप्लाई में आप क्या बताता है, आपका एचएसएन वाइज डिटेल, आपका अगर गुड्स है एचएसएन वाइज पूरी समरी आप 17 में दे दीजिए। मुझे उम्मीद है जो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जितने भी टेबल्स है मैंने एग्जाम्पल के साथ पूरा कवर कर लिया, इसके में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इससे रिलेटेड, आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं और आपको समझा सकूं जो भी आपका क्वेश्चन होगा। अब आगे वाले वीडियो में हमारा मेन पॉइंट क्या बता है, ITC से रिलेटेड, कि हमने क्या ITC क्लेम किया, प्रीवियस फाइनेंशियल का, नेक्स्ट फाइनेंशियल का, जो भी RCM का ITC। अभी हमारा अगला पार्ट क्या बच रहा है, ITC का। अगली वीडियो में हम ITC पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक हमने जो बताया आउटवर्ड सप्लाई सेल से रिलेटेड उसका टैक्स, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके दिमाग में डाउट होता है या जो भी क्वेश्चन आता है आप बिंदास पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो रिस्पॉन्स जरूर देना, लाइक कर देना या कमेंट करके रिस्पॉन्स दे देना, इतना तो सर जी आप कर ही सकते हो, इसमें कंजूसी मत करना। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।